हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं अपने पौधों को हरा भरा रखना, घना रखना, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आज वही चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने गार्डन की देखरेख कैसे करती हूँ, क्या चीज़ इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, कंपोस्ट कौन सा देती हूँ, कौन सा इसमें खाद डालते हैं हम, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर टेरेस गार्डन पर मैं आ गई हूँ और चिड़ियों के लिए दाना पानी रख दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने टेरेस गार्डन पर चिड़ियों के लिए पानी और दाना ज़रूर रखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा टेरेस गार्डन है, काफ़ी अच्छे से हरा भरा है, ग्रो कर रहा है काफ़ी। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से अपने टेरेस गार्डन को ग्रो करना, अच्छे से हरा भरा रखना, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगे थोड़ी सी भी तो एक लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पौधों की आज देख रेख करनी है। मैंने जितनी भी पौधों की येलो लीव है वो सारी हटा दूंगी मैं। समय समय पर हमें अपने पौधों की इस तरह से ज़रूर देख रेख करनी चाहिए। जो भी पत्ते वगैरह येलो हैं उनको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाता है अच्छे से, पूरी ताकत लगा देता है इस जो डैमेज पत्ती होती है उसकी, उसको सही करने में पौधा। तो इस तरह से अगर आपको भी लगे कि आपके पौधे में कहीं येलो पत्ती है कोई, तो उसको फौरन हटा दें। आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो जितनी भी प्लांट्स हैं मेरे, उनकी सभी की आज मैं येलो लीव हटा दूंगी जितनी भी हैं। और उसके बाद आज मैं अपने गार्डन में जो है गुड़ाई का काम करने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी मैं कौन सा खाद इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों के लिए, जो जिससे कि मेरे जो प्लांट्स हैं काफ़ी इतने हरे भरे होते हैं रहते हैं। तो इस प्लांट्स की भी जो चिड़ी पाम है, इसकी मैंने सारी डैमेज पत्तियाँ हटा दी हैं। तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं, पूरी पत्ती अगर ना हटाएं, जो येलो पार्ट है उसका, उसको कट कर सकते हैं ताकि वो डैमेज पत्ती अलग जाए और अलग हो जाए और बुरी ना लगे देखने में। तो इस तरह से आप इसकी, अपने पौधों की इस तरह से देख रेख कर सकते हैं। तो आज मैंने पौधों में पानी नहीं दिया है, और जो है ये थोड़े हल्के से जो है इनमें हल्की नमी है, तो इसकी सबसे पहले गुड़ाई कर लेंगे हम। अगर हमने खाद देना है तो उससे पहले हमने पौधों में गुड़ाई कर लेनी है हल्की सी, ताकि हमारा जो खाद है अंदर तक पहुंच जाए और उसका असर अच्छे से हो सके। तो आप खुरपी से या किसी भी नोकीली चीज़ से आप पौधों की गुड़ाई कर सकते हैं। पौधों की जो गुड़ाई है वो भी काफ़ी हमारे पौधों को जो है ग्रोथ में सहायक होती है, काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे पौधे। तो इन सभी पौधों की मैंने सबसे पहले कर ली है गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, जो घर पर जो किचन में हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ एक कंटेनर में, और उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगाकर और दोबारा से फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डाल देती हूँ और उस कंटेनर को ढककर रख देती हूँ। करीब 5-6 महीने बाद वो कंपोस्ट बनकर हमारा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप भी घर पर अगर कंपोस्ट बनाएंगे तो काफ़ी हेल्दी होता है वो, उससे जो हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। इस बार जो मैंने खाद नहीं दिया है काफ़ी टाइम से, तो आज मैं खाद भी दूंगी इन पौधों को। और जो मैं खाद देने वाली हूँ वो मैं देने वाली हूँ डैप खाद, वो दानेदार खाद होता है, उसका आज मैं यूज़ करूँगी। तो अगर आप भी उसको डैप जो खाद होती है उसको डालेंगे अपने पौधों में तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे आपके सामने, और आपके पौधे जो हैं एक हफ्ते के अंदर ही उसमें रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी जो पत्ती होंगी वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं उस खाद से। तो वो खाद मैं तो अपने पौधों में वही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर सारी सफाई हो गई है, और जितनी भी ये येलो लीव वगैरह है उन सबको मैं कंपोस्ट में डाल देती हूँ। तो आप भी इनको कंपोस्ट में डाल दें, इनको फेंके ना पत्तियों को, जितनी भी हमारी सूखी पत्ती होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खाद को, ये डैप खाद है और काफ़ी इफ़ेक्टिव खाद है, बट इसकी मात्रा जो बहुत कम डालनी है हमने, थोड़ी थोड़ी डालनी है। और जब भी दोस्तों आप अपने पौधों में खाद दें तो सुबह या शाम को दें, दोपहर में ना दें, क्योंकि दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो आप अगर सुबह और शाम में देंगे तो पौधे काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी पौधों में डाल दी है डैप खाद, और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आप अपना कंटेनर के हिसाब से खाद डाल सकते हैं, छोटे कंटेनर में बहुत थोड़ी सी खाद डालनी है, और अगर आपका बड़ा कंटेनर है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा खाद डालनी है। खाद के रूप में हम गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, और मैंने इस्तेमाल की है अपने प्लांट्स वगैरह को, गोबर की खाद दी है मैंने भी, तो उसको भी दे सकते हैं आप, और कंपोस्ट बना सकते हैं, और इस जो डैप खाद है इसको भी दे सकते हैं। ये तीनों खाद मैं अपने पौधों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और तीनों के ही काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं।
तो आप अगर चाहें इन तीनों में से जो चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपका गार्डन होने वाला है। तो आज मेरा जो दवाई डालने का काम था, खाद डालने का काम था, वो सारा हो गया है कंप्लीट। और साथ ही साथ मैंने जो है इसमें गुड़ाई की काम भी कर दिया है और जो पत्तों की क्लीन वगैरह करना था वो भी हो गया है। आज मेरा गार्डनिंग का इतना काम हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।